दोस्तों, इस धरती पर मौजूद सभी जीवों में हम इंसान ही सबसे ज्यादा विचित्र और इंटेलिजेंट जीव है। हमारी सोच और समझ इतनी विकसित है कि दुनिया का कोई दूसरा जीव इसका मुकाबला नहीं कर सकता, और हम लगभग सभी दूसरे जीवों को अपना गुलाम बना ही चुके हैं। साइंस की तरक्की से आज हम अपनी प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक यान भेजने की काबिल भी हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम धार्मिक मान्यता को छोड़ दें तो विज्ञान के पास आज तक इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि आखिर इंसानी प्रजाति इस धरती पर कहां से आया या मानवता की शुरुआत कैसे हुई। इसके ऊपर विज्ञान ने कई हाइपोथेटिकल थ्योरीज पेश किए हैं, जिसमें सबसे फेमस थ्योरी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। लेकिन ये थ्योरी वे साइंटिस्ट के सवालों के सामने खड़ा नहीं उतर पाया। लेकिन ऐसे में अमेरिका के मशहूर साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर ने जब अपनी सालों की रिसर्च को लोगों के सामने एक बुक के रूप में पब्लिश किया तो मानो कि जैसे दुनिया में तहलका ही मच गई। उनके द्वारा लिखी गई बुक ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ ने लोगों के सोचने के तरीके को ही बदल दिया। हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों, आज संडे है और संडे के दिन हमारे इस चैनल पे आपको टॉपिक से हटके आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो देखने को मिलते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या सच में इंसान धरती के मूल निवासी नहीं है? तो दोस्तों, इस किताब के अनुसार भले ही बाकी जीवों की उत्पत्ति इस धरती पर हुई हो, लेकिन इंसानों की रचना धरती पर हो ही नहीं सकता। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने ह्यूमन इवोल्यूशन को लेकर कुछ ऐसे सवाल किए जिनका जवाब किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। गलत शारीरिक बनावट। दोस्तों, हम भले ही कुछ लोगों को खूबसूरत और कुछ को बदसूरत मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम सभी बेहद बदसूरत और गलत बनावट वाले शरीर रखते हैं। हम पृथ्वी पर एक लौते ऐसे जीव हैं जिनके चार पैरों में से दो पैर ज्यादा बड़े और दो पैर यानी हाथ छोटे हैं। साइंटिस्ट की माने तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंसान सिर्फ दो पैरों पर ही खड़े होकर चलते हैं, जिस वजह से हमारी पैर मजबूत होते चले गए लेकिन हाथों का विकास सीमित रह गया। लेकिन दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन 100% राइट नहीं है। हमारी टांगे हमारे टोटल वजन के 30% होते हैं, मतलब कि हमारी टांगे हमारे शरीर के मुकाबले काफ़ी भारी है। वही आप पक्षियों को देखो, उनके पास दो पैर है लेकिन ये पैर उनके टोटल वजन का सिर्फ 5% ही होता है। चिंपांजी और गोरिल्ला भी ज़्यादातर दो पैरों पर ही चलते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके पैर आज तक हाथों के मुकाबले थोड़े भी मजबूत नहीं हुए। उनके हाथ तो उनके पैर से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि आखिर हमने दो पैरों में चलना शुरू ही क्यों किया? चार पैरों वाले सभी जानवर हमसे तेज दौड़ते हैं। हम भी अगर हाथों और पैरों का इस्तेमाल दौड़ने में करते तो हम भी उनकी तरह तेज होते, तो फिर हमने धीमा होना स्वीकार क्यों किया? भला ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी रफ्तार कम करना चाहेगा? दोस्तों, कहते हैं कि नेचर हर प्रॉब्लम की सलूशन ढूंढ ही लेता है, तो फिर इंसानों की जन्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सलूशन क्यों नहीं हो पाता? क्यों औरतें बच्चे पैदा करने के दौरान प्रसव पीड़ा की वजह से मारी जाती है, जबकि धरती के किसी भी दूसरे जीव के साथ ऐसा होना बहुत ही रेयर होता है? अब दूसरी तरफ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 9 महीने की लंबी गर्भकाल के बाद भी इंसानी बच्चा जन्म के कई महीनों तक एकदम ही असहाय होता है, जबकि दूसरे जानवरों के बच्चे जन्म के कुछ दिनों में ही या महीनों के बाद ही चलने फिरने और दौड़ने लायक हो जाते हैं। ह्यूमन बेबीज इतने लाचार होते हैं कि उन्हें जंगलों में तो पाला ही नहीं जा सकता। शायद अगर हम इंसान के पास इंटेलिजेंसी नहीं होता तो हम अपने बच्चों को बड़ा ही नहीं कर पाते। दोस्तों, इंसान तेज धूप को बर्दाश्त करना करोड़ों सालों में भी नहीं सीख पाया। हमारे धरती पे दो तरह के मौसम हैं, सर्दी और गर्मी, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हम इन दोनों में से किसी भी मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाते। सर्दी में हमें हीटर और बहुत सारे कपड़ों की जरूरत पड़ती है, तो वही गर्मियों में हमें एसी की जरूरत पड़ती है। दुनिया में हर जीव के पास ठंडी और गर्मी से बचने के लिए कुछ न कुछ विशेषताएं जरूर होता है, जैसे कि बहुत सारे जीवों के पास घने लंबे बाल होते हैं और जिनके पास बाल नहीं होते जैसे कि एलिफेंट या राइनो, इनके पास मोटी चमड़ी होती है। अगर हम इंसान भी इस धरती के होते तो शायद इवोल्यूशन की प्रक्रिया से आज हमारे पास भी कोई ना कोई विशेषता जरूर होता। हो सकता है कि हम जहाँ से आए हैं या जिस ग्रह से आए हैं, ना वहाँ तेज रोशनी होती थी ना वहाँ तेज धूप होती थी। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि हो सकता है कि पहले हमारे पास भी घने बाल थे, लेकिन आग की खोज के बाद हम हमेशा ही आग के आसपास रहने लगे, जिससे हमारे शरीर के बाल खत्म हो गए। लेकिन इंसानों के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से पता चलता है कि इंसानों के शरीर में बाल आग के खोज से हजारों साल पहले भी नहीं थे। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि इंसानी डीएनए केले से, चिंपैंजी से और गोरिल्ला से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन ये एक अधूरा सच है। असल में पृथ्वी के सभी जीवों के जीन्स आपस में मिलते हैं, क्योंकि सभी जीवों की जन्म स्थल ये पृथ्वी ही है। लेकिन साइंटिस्ट ने इंसानों में 200 से भी ज्यादा ऐसे जीन्स खोजे हैं जो धरती के किसी भी दूसरे जीव में नहीं मिलते। ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ किताब लिखने वाली एलिस सिल्वर का कहना है कि पृथ्वी पर कहीं बाहर से एलियंस आए थे और उन एलियंस ने अपनी डीएनए को चिंपांजीज के साथ मिलाया और इंसानों को बनाया, इसलिए हमारे हाथ और पैर बंदरों जैसे हैं। लेकिन इंटेलिजेंसी के मामले में हम बंदरों से काफी तेज हुए, क्योंकि हमारे डीएनए में भी एलियंस का ही अंश है। ऐसे ही और भी बहुत सारे तर्क है डॉक्टर एलिस सिल्वर की किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ में। हम इंसान बीमार भी बहुत ज्यादा होते हैं,
धरती पर आपको शायद ही कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसके अंदर कोई भी बीमारी ना हो, लेकिन मैं आपको धरती के ऐसे लाखों जीवों से मिलवा सकता हूँ जिनके अंदर कोई भी बीमारी ना हो। हम इंसान हाइजीनिक रहना पसंद करते हैं, जबकि धरती की कोई भी दूसरा जीव ऐसा नहीं करता। वो जहाँ खाते हैं वही अपना मल त्याग करते हैं, गंदी जगहों में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो बीमार नहीं पड़ते। लेकिन इंसान मौसम के बदलाव को भी नहीं झेल पाता। मौसम बदलने पर इंसानों को सर्दी, जुखाम, बुखार जैसी बीमारियां हो जाती है। दोस्तों, हाल ही में कोरोना महामारी ने जितना प्रभावित इंसानों को किया, शायद ही उतना किसी दूसरे जीव को किया। हार्ट अटैक जैसी बीमारी भी सिर्फ इंसानों में ही देखी जाती है, क्योंकि हम यानी इंसान पृथ्वीवासी है ही नहीं। हमें पृथ्वी के माहौल में जीने में परेशानियां आती है। हम किसी ऐसे ग्रह से भागकर आए हैं जो ग्रह हमारी ही किसी कुकर्म द्वारा नष्ट हो गया होगा, और अब हम प्रदूषण, रेडिएशन और ग्लोबल वार्मिंग फैलाकर इस ग्रह यानी पृथ्वी का भी विनाश कर रहे हैं। शायद हम जहां जाते हैं वही का विनाश शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।